एक गांव में विमला नाम की औरत रहती थी। वो बहुत तेज और कंजूस थी। गांव के लोग उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। उसका बेटा शहर में नौकरी करता था और उसकी बहू गांव में ही उसके साथ रहा करती थी और गायों की देखभाल किया करती थी और दूध बेचती थी। एक दिन उनकी बहू को दूध बेचकर आने में जरा सी देर क्या हो गई, उसने तो सारा घर ही सर पर उठा लिया। कहाँ रह गई थी महारानी, घर की कोई चिंता है या नहीं? माँ जी, वो आज नदी को पार करने के लिए कोई नाव ही नहीं मिली। बड़ी देर बाद एक नाव वाला यहाँ आने के लिए मिला, लेकिन उसने थोड़ा ज्यादा पैसे ले लिए। थोड़े ज्यादा पैसे? कितने पैसे ले लिए? 10 रुपए ज्यादा माँ जी। लेकिन अंधेरा होने से पहले घर लौटना भी तो जरूरी था ना माँ जी। जल्दी निकला कर, फिर तो दूध बांट कर घर जल्दी वापस आ जाया करेगी। जी माँ जी। विमला की बहू उसके कंजूसी भरे स्वभाव से बहुत परेशान थी, लेकिन वो चुप रहती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। गांव की कुछ औरतें, विमला और उसकी बहू भी मेला घूमने गए। तभी एक औरत ने विमला की बहू से कहा, अरे तू अपनी सास के साथ आ गई, अब बस मेला देख ही सकती है, अपनी पसंद का कुछ खरीद नहीं सकती। अब मैं क्या करूं, सब कुछ समय के हाथ में है, इनका स्वभाव ही ऐसा है। सभी लोग मेले में घूम रहे थे, बाकी औरतों ने खूब खरीदारी की, लेकिन विमला को कुछ पसंद ही नहीं आता था। अरे भैया, वो झुमके कितने के दिए? 100 रुपए के माँ जी। 100 रुपए? अच्छी लूट मचा रखी है आपने तो। 20 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेचते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा मजाक कर लेती हैं माँ जी आप भी, हम तो 20 का 100 ही करने बैठे हैं यहाँ। यदि आपको कोई समस्या हो तो आगे की दुकान पर चली जाएं आप। बहू, यहाँ से चलते हैं। मेले में घूमते घूमते काफी समय हो चुका था। सभी लोग एक खाने पीने की दुकान पर रुक गए। अरे भैया, ये गुलाब जामुन कैसे दिए? 50 रुपए पर प्लेट माँ जी। 50 रुपए? क्या जमाना आ गया है। बहू, आगे चल, हम यहाँ नहीं खाएंगे। लेकिन माँ जी, बाकी लोग तो यही खा रहे हैं। बाकी लोग अपने पैसे में आग लगा रहे हैं तो क्या तू भी लगाएगी? अब चल यहाँ से। विमला वहाँ से आगे बढ़ गई। तभी उसकी नजर एक दूसरी दुकान पर गई, जहाँ पर गुलाब जामुन सिर्फ 20 रुपए प्लेट थी। ये देख, यहाँ सही दाम में मिल रहे हैं गुलाब जामुन। लेकिन माँ जी, यहाँ की हालत तो देखिए, कितनी मक्खियाँ हैं यहाँ। मुझे तो लगता है कि ये गुलाब जामुन भी पुराने ही होंगे। तेरी बुद्धि कुछ ज्यादा ही चलने लगी है आजकल। और तुझे नहीं खाना तो मत खा, मैं तो खाऊंगी। विमला ने उस दुकान से गुलाब जामुन लिए और खा लिए। सभी लोग शाम को अपने अपने घर लौट आए। घर लौटते वक्त सभी के हाथ में बहुत सारा सामान था, तो वहीं विमला की बहू के हाथ में कुछ मूंगफली के दाने। सभी औरतें उसे देख देख कर हंसते हुए अपने अपने घर चली गईं। विमला की बहू को आज बहुत बुरा लगा, लेकिन उसकी सास उसकी एक भी बात नहीं सुनती थी। रात हो चुकी थी कि तभी अचानक विमला नींद से उठकर कराहने लगी। आह बहू, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन क्यों माँ जी, अब मैं क्या करूं? आह कुछ तो कर बहू, नहीं तो ये दर्द आज मेरे प्राण ही ले लेगा। माँ जी, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर लाती हूँ। नहीं बहू, डॉक्टर नहीं, वो तो बहुत पैसे ले लेगा। माँ जी, अपनी हालत तो देखिए, अभी भी आपको पैसों की चिंता है? माँ जी, पैसा स्वास्थ्य से बड़ा नहीं होता, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। विमला की बहू घर से निकल गई और कुछ ही देर में एक डॉक्टर के साथ घर लौटी। डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, आपने ही खाए ना पैसे बचाने के चक्कर में खराब गुलाब जामुन, अब दवाई खाइए। डॉक्टर ने दवाई दी और वहाँ से जाते वक्त विमला से कहा, कंजूसी छोड़ दो काकी, नहीं तो ऐसे ही दर्द होता रहेगा। हाँ डॉक्टर साहब, बस अब मैं भी कभी कंजूसी नहीं करूँगी। डॉक्टर वहाँ से चला गया और विमला की बहू ने मुस्कुराते हुए पूछा, माँ जी,
क्या खाएंगी आप? गुलाब जामुन ले आओ। नहीं बहू, अब नहीं। विमला को अपनी कंजूसी का फल भुगतना पड़ा और उसका स्वभाव भी बदल गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।